नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का ये टॉपिक ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट के लिए कैसे रोल प्ले करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस के, क्या इसके चैलेंजेज है, और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको स्टूडेंट लाइफ में अपनाकर हम लाइफ को ग्रो कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही एक इफेक्टिव स्किल है, एक इंटेलिजेंस का टाइप है, क्वेश्चेंट है, जिसको यूज करके हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया जिसमें बताया है कि प्रोफेशनली आपको ग्रो करना है तो IQ को कैसे हाई रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल स्किल है आज के लाइफ में, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में। आपको इमोशंस पे कंट्रोल है, दूसरे को इमोशंस समझते हैं, तो आपको इसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर फॉर स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी के लिए कैसे मैटर करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर हम पॉइंट बात करें कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट, पहला जो है कि इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या है, स्टूडेंट को इनेबल करता है कि रिकॉग्नाइज करो अपने बारे में, अपने इमोशंस को समझो, अपने बिहेवियर में इसको यूज करो, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स में इसको अपनाओ। तो ये क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेटर कम्युनिकेशन। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप अच्छे से इम्पैथिक रूप से सुन सकते हैं दूसरे को, उसको इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके जो पॉजिटिव जो आप बात कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, अपने पीयर ग्रुप माने अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ। तो क्या है ये बेटर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, बेटर कम्युनिकेशन स्किल को यूज करने में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपको अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है, एक्सेल करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो इमोशनली इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। और ये क्या करता है, स्टूडेंट को फोकस करता है, मोटिवेट करता है, बेटर इक्विप्ड बनाता है, और कैसे एकेडमिक चैलेंजेज उनको कैसे टैकल करना है इसमें काफ़ी मदद करता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है अगर आपकी EQ हाई है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड। देखिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही EQ पे अपने काम कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप ग्रो करेंगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो बोला जाता है ना कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में अगर ग्रो करना है, प्रोफेशनल लाइफ का ये क्या है, ये बेस है, और स्टूडेंट लाइफ में ही EQ पे काम करते हैं, EQ को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके एडल्टहुड में यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आगे के लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करें कि बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट। अब क्या है बेनिफिट्स, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या, फर्स्ट काम एक जो है कोलोबरेशन एंड टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो एक दूसरे से कैसे आपको फ्रेंडशिप बनाना है, कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है ग्रुप में, कैसे टास्क को करना है, कैसे कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करना है, ये क्या करता है, ये इसके क्रिएट करता है एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, जाके आप टीम वर्क में काम कर सके। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसमें भी ये कैपेबल बनाता है, जैसे आप किसी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या लॉजिक लगाना है, क्या इमोशंस यूज करने हैं, उसमें भी काफ़ी मदद करता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो EQ से भी रिलेटेड है। थर्ड जो बेनिफिट है वो है लीडरशिप एबिलिटी। देखिए स्टूडेंट विद एक्सेलेंट इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर पॉज्ड टू मैनेज एंड लीड अदर्स, मेकिंग देम वैल्यूएबल एंड कंट्रीब्यूटिंग नंबर्स ऑफ सोसाइटीज। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करना, आपके सोसाइटी में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जैसे अपने आप को ये करेंगे, जो उसके लीडरशिप में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहा बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट। अब हम बात करें कि इफेक्टिव वे टू टीच इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या इफेक्टिव तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ाने का, इमोशनल इंटेलिजेंस को बताने का, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने का। तो पहला है मॉडलिंग स्किल्स। इसमें क्या टीचर्स एंड जो पेरेंट्स है ये स्टूडेंट पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इमोशंस को, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे इसमें लानी है, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करने हैं, इस सबको आप एक मॉडलिंग के माध्यम से, जिसमें टीचर और पेरेंट्स दोनों का योगदान हो सकता है। सेकेंड है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट को अगर इंकरेज करना है, एक्सप्रेस करना है, तो उनकी क्या वर्बल नॉन वर्बल जो क्वालिटी है, जो कम्युनिकेशन से, वो काफ़ी इम्फैटिक होना चाहिए। ये इन्हेंस करता है कि भाई कैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। तो ये दूसरा तरीका है कि आप वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसको यूज कीजिए और इक्यू को बढ़ाइए। थर्ड जो है प्रजर्वेंस, यानी कि फेलियर सेटबैक्स एंड डिफिकल्टीज आर ऑफर, इसको मानिए कि हमारा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विदाउट एनी फेलियर और डिफिकल्टी कोई टास्क आप परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये है कि आप इसमें इसको यूज कीजिए। इंपॉर्टेंस है जो प्रजर्वेंस है, रिजिलियंस है, हाउ टू कोप अप विथ स्ट्रेस पॉजिटिवली, इसको भी यूज करके हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इफेक्टिव वे से ठीक कर सकते हैं। अब आप बात आती है कि इंटेलिजेंस जो है, जो इक्यू है, इसको टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या चैलेंज है जो इसको हमको फेस करना है। तो पहला चैलेंज ये है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए ये पॉजिटिव किसी भी बिहेवियर और हैबिट को यूज करने के लिए हमें क्या होता है, बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, ये डेवलप होने में टाइम लगता है और स्टूडेंट शुरू में क्या करते हैं, इसको रेजिस्ट करते हैं। तो एक पहला जो चैलेंज है क्या, रेजिस्टेंट टू चेंज, इस नया चीज़ को डेवलप करने में, चेंज करने में आपको काफ़ी प्रैक्टिस और डेडिकेशन की ज़रूरत है। सेकेंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अब हर स्टूडेंट की पर्सनालिटीज, लर्निंग स्टाइल, बिहेवियर, स्टेजेज सब क्या है, अलग अलग होती हैं। तो इसमें थोड़ा ये भी डिफिकल्टी होता है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और सबको इक्यू के बारे में बताना है कि कैसे इक्यू डेवलप करना है, इक्यू को डेवलप करवाना है। तो दूसरा चैलेंज ये है कि इंडिविजुअल्स जो डिफरेंसेज हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग लेवल में है। तीसरा है लैक ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। ये भी तीसरा चैलेंज है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, फंडिंग नहीं है और बहुत सारे सपोर्ट नहीं है जो चाहिए, उसकी कमी है। तो भी एक थर्ड चैलेंज है। तो ये तीन मेजर चैलेंज है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को टीच करने में हमारी जो जो रुकावट पैदा करती हैं। पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज, थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड फाइनल एक्सटर्नल चीज़ है जिसको लैक ऑफ रिसोर्सेज हम बोलते हैं। अगर हम अब बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे कि कोई इसकी किसकी की क्यों हाई है, किसकी की क्यों लो है, इसका क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर है, तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इक्यू लेवल किसका कैसा है। तो पहला है ये ऑब्जर्विंग बिहेवियर। अगर हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे इमोशंस को हैंडल करता है, कैसे उस पर रिएक्ट करता है, क्या इसकी अवेयरनेस है, इसके माध्यम से भी हम इक्यू को बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आपको सारे डायमेंशंस में, मान लीजिए कोई टीम वर्क में, कोई प्रोजेक्ट साथ में करते हैं, कैसे आपका एक दूसरे से संबंध है, पीयर ग्रुप में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बाद आपका जो जो परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, अगर अच्छा है तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके बारे में बोल सकते हैं हाँ ईक्यू आपकी हाई है। थर्ड जो है क्राइटेरिया इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत सारे मेथड्स एंड टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हम असेसमेंट कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। हम आपको केस स्टडीज दे सकते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम आपको इक्यू के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन मेजर तरीका है जिसके माध्यम से इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट के बीच में है, जो कौन सा स्टूडेंट का क्या इक्यू है, क्या इक्यू लेवल है, उसको हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अब इस वीडियो को, इस टॉपिक को समराइज करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही क्रिटिकल स्किल है और इसका स्टूडेंट लाइफ में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से हो गया, हमारे रिलेशनशिप से हो गया, हमारे फ्यूचर सक्सेस से हो गया, इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होना चाहिए कि कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कराएंगे, उस पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, जो हमारे साथ चैलेंजेज आते हैं उसको कैसे टैकल करना है, वो दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेजरिंग कॉम्पिटेंसी। मेजरिंग इंटेलिजेंस इन ए स्टूडेंट कैन हेल्प एजुकेटर आइडेंटिफाई एरिया ऑफ रिक्वायरिंग सपोर्ट, क्या उनका सपोर्ट किस एरिया में कमी है, कहाँ पे हमें टीचर को मेहनत करना चाहिए, कहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट लाना है, कहाँ पे सोशल चीज़ को इनकलकेट करना है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा जो है लाइफ चेंजिंग स्किल, जो क्या है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, मैनेज एंड एक्सप्रेस जो इमोशंस है, ये बहुत ही एसेंशियल स्किल है हमारे लाइफ में। अगर हम चिल्ड्रेंस
स्टेट से ही अगर इसको हम डेवलप करें तो हमारा लाइफ क्या आगे चल के हमारे हर पहलू में इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों ये रहा इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस बोले या इमोशनल कोशेंट बोले, इसको भावात्मक बुद्धि भी हम बोलते हैं। ये हमारे स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना जरूरी है, इसके बारे में मैं डिस्कस किया। और मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो है आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपको एक्शन लेने में, आपको हैबिट डेवलप करने में, आपको चीज़ों को समझने में, इमोशंस को टैकल करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पॉइंट्स या आपके कुछ फीडबैक्स हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से भी आप सूचित कर सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप वीडियो के लिए इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।